नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। इस समय देश में कोरोना की धूम मची हुई है, बड़े तो परेशान हैं, सैनिटाइजर, मास्क, तमाम सारी चीज़ें लेकर घूम रहे हैं और उन्हें ताकीद भी किया गया है कि इस पर ध्यान दें, विशेष रूप से इस पर ध्यान दें। सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लेकिन जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, 2 महीने के हैं, 3 महीने के हैं, साल भर के लिए हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन, ये एक बड़ा सोचने का विषय है। और निश्चित तौर पर नए जन्मे बच्चे के माता पिता, छोटे बच्चों के माता पिता इस बात को लेकर परेशान हैं। हमने सोचा क्यों ना इस बारे में बात की जाए इंदौर के जाने माने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मुकेश बिल्ला से। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, ये कोरोना की धूम सब दूर मची हुई है, पूरे शहर में क्या विश्व में खौफ है इसका, बच्चों को लेकर माँ बाप बहुत चिंतित है, क्या कहते हैं आप इसको लेकर? बिल्कुल, आपका एक वाजिब सवाल है या एक चिंता है जो हर माँ बाप अपने बच्चे को लेकर आता है, जिसे एक आम सर्दी जुकाम है और उसके मन में कोरोना का भय है। जैसे हमें सबको पता है कि जैसे गाइडलाइंस आपने बताया जारी की गई है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, लेकिन उससे भी जो ज़्यादा बात आती है सोशल डिस्टेंसिंग की, जिस पर हमेशा एक बहुत ज़्यादा जोर दे के बात की जा रही है कि चूंकि ये कोरोना इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब मेरे सलाइवा, मेरे सिक्रीशन, मेरे छींकने से, मेरे खांसी करने से जो भी वायरसेस मैं अपने सलाइवा के थ्रू स्प्रेड कर रहा हूँ वो स्प्रेड होके दूसरी जगह जाएंगे, जिसका हो सकता है अपना एक दायरा हो 1 मीटर या 2 मीटर, तो उस तरह से मैं स्प्रेड कर सकता हूँ, या एक सलाइवा सिक्रीशन छींक के मैंने इस टेबल पर या कहीं पर अपने ड्रॉपलेट्स डाले हैं तो वो कुछ समय तक सर्वाइव करेंगे और उसके कारण से कोरोना इन्फेक्शन होता है और फैलता है। अभी तक की स्टडीज़ में एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं प्रूव हुआ है, लेट अस सी द फ्यूचर, लेकिन अभी तक ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के रूप में एक से दूसरे को फैल रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन एंड फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट्स जो कोरोना वायरस कंटेमिनेट हो गए हैं। बच्चों के साथ कुछ तो अच्छी स्थिति है और कुछ स्थिति पर ध्यान रखना चाहिए, ये हमें बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो इस तरह का एक सोशल स्ट्रक्चर है उसमें जितने छोटे बच्चे होते हैं उनका सोशल इंटरेक्शन उतना नहीं होता है। हम बच्चों को बचाव करके रखते हैं, हम बच्चों को आइसोलेट करके रखते हैं, हालांकि उसके रीजंस दूसरे होते हैं, लेकिन फिर भी एक आम धारणा रहती है कि हम छोटे, जितना छोटा बच्चा उसको बहुत सोशल इंटरेक्शंस नहीं करने देते हैं, क्योंकि हमारे कई सालों से जो परिपाटी चली आई है और वो एक एडवांटेज सिचुएशन हो गई है छोटे बच्चों को लेके। खासकर जैसे आपने बोला कोई बच्चा 2 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का, उसका अपना सोशल इंटरेक्शन होगा भी तो थ्रू पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के ही थ्रू होने वाला है। तो अधिकतर जो कांटेक्ट में आने के लिए इतने छोटे बच्चों की बात है तो डेफिनेटली उनके लिए अपना एक सोशल, जब डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली कल्चरली हो रहा है तो दे मेक देमसेल्फ्स एट एन एडवांटेज सिचुएशन। लेकिन यहीं तक बात नहीं रुकी, वो छोटे बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के भी कॉन्टैक्ट में हैं, पेरेंट्स के भी कॉन्टैक्ट में हैं, और वो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स तो सोशली अपने अपने इंटरेक्शन कर रहे हैं जी। तो डेफिनेटली बच्चों को अपना इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो बच्चों के प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की जो केयर कर रहे हैं उनको अपना सोशल डिस्टेंस बनाना है, उनको अपना सोशल इंटरेक्शन कम करना है, सो दैट वो छोटे बच्चों को ट्रांसमिट ना कर सकें। एक और अच्छी सी बात जो मैं आपको कहूँ, चाइना में इतनी सारी डेथ्स हुई हैं, इटली में इतनी सारी डेथ्स हुई हैं, बट कोइंसिडेंटली देखा गया है कि नन ऑफ द डेथ वाज इन अ चाइल्ड बिलो 10 ईयर्स। सही बात, माइट बी इसमें ऑथेंटिसिटी कितनी है दैट्स अ क्वेश्चन, बट यस, जो डेथ्स बिलो 10 ईयर्स एज में थी वो या तो नहीं थी या काफ़ी कम, सो दैट शोज पॉसिबली सम और द अदर इम्यून मैकेनिज्म्स जिसके कारण से बच्चे इतने सीवियरली अफेक्ट नहीं हुए। सो या डेफिनेटली वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस एंड वी शुड डू, बट नॉट विद एन एक्सटेंट ऑफ फियर दैट मेरे बच्चे को क्या हो जाएगा। मैं आज ही का आपको एक उदाहरण दूँ, सुबह सुबह एक बच्चा 2 दिन से सर्दी जिसको कई बार होती है और मैं कई बार देखता रहता हूँ, लेकिन अभी उस भय के मारे आए पेरेंट्स कि मेरे बच्चे को कोरोना तो नहीं हो गया, बिकॉज कोरोना में भी वही सिम्टम्स जो एक आम सर्दी खांसी फ्लू में होते हैं वही सिम्टम्स से लेके आ गए, तो वो जो भय पैदा हो गया पेरेंट्स में वो उनको और ज़्यादा चिंतित करता है। घबराने की बात नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि इस कंटेक्स्ट में कि डेथ्स चाइना में भी हुई है लेकिन नॉट बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज, सो यस देर वी डोंट नो एग्जैक्ट मैकेनिज्म स्टिल, बट यस बच्चे लोगों को जो भी विरुलेंस ऑफ कोरोना वायरस है
वो कहीं ना कहीं कम है। हाँ, ये बात ज़रूर कहूँ कि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोरोना होने के बाद, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंटी कोरोना अभी तक नहीं है। यस, अगेन जो सब बार बार पूछते हैं कि डॉक्टर इसका कोई वैक्सीनेशन है, तो उसका कोई वैक्सीनेशन भी अवेलेबल आज की तारीख में नहीं है। कितनी अच्छी बात निकल कर सामने आई है। मुझे लगता है लगातार छोटे बच्चों के माता पिता के मन में भ्रांति लगातार बनी हुई थी, और निश्चित तौर पर जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता केयर ज़्यादा करते हैं, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जब बीमारी नहीं निकल कर आती है तो सोचने में भी आता है कि कहीं बच्चे को ये बीमारी ना हो जाए, तो ऐसी तमाम सारी भ्रांतियाँ होती है। डॉक्टर, जब आपने कहा कि नॉर्मल बच्चे को भी ये सब होता है और आप उनको पहले भी ट्रीट करते हैं, आज सुबह का इंसिडेंट आपने बताया, तो क्या लगता है ऐसी स्थिति में पेशेंट के जो बच्चे के जो माता पिता हैं उन्होंने क्या कुछ ऐसा प्रिलिमिनरी प्रिकॉशंस रखना चाहिए? गुड, प्रिलिमिनरी प्रिकॉशंस वही लागू हो रही है जैसे आपने कहा कि जो बड़ों के लिए लागू होती है। मैं ये तो नहीं कहूँ कि मेरे एक बच्चा है और बार बार बेचारा सैनिटाइजर से हाथ धोए, उसे तो पता भी नहीं वो कब अपने हाथ को मुँह में ले जाए, अच्छा करने गया और ही गेट्स इन टू द टॉक्सिसिटी, तो वो तो नहीं चाहिए। डेफिनेटली साफ़ सफाई, हाइजीन, इस चीज़ का ख्याल, और ज़्यादा बच्चों के साथ जो आसपास है, आसपास का जो माहौल है उसको साफ़ सफाई रखना है, क्लीन रखना है, और जो इस बात वापस आ रही कि सोशल डिस्टेंसिंग की, कि क्यों हम एक छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा सोशल इंट्रैक्शन करें। आम जो बच्चों को सर्दी खांसी भी ज़्यादा होती है वो इसीलिए होती कि अपने छोटी उम्र के बच्चों के साथ आपस में खेल के लेते हैं, या जहाँ सोसाइटी में जाते हैं वहाँ से वो अपने इन्फेक्शन लेके आते हैं, तो उसको अगर कुछ समय के लिए और ज़्यादा ध्यान करके अगर हम बचाव करें तो हम उस भय में जो रह रहे हैं कम से कम वो हमारा कम हो जाए, क्योंकि उनको सर्दी खांसी कम होंगे तो भय नहीं आएगा पेरेंट्स में कि यार मेरे बच्चे को कोरोना तो नहीं हो गया। खाने पीने को लेकर कोई प्रिकॉशंस है इस पे? नॉर्मल फ्लू के लिहाज से भी नहीं बात। जनरली कोई भी इलनेस और खास करके वायरल इलनेस हो तो जनरली कुछ इंस्ट्रक्शन ज़रूर से देने चाहिए कि टेक लॉट्स ऑफ लिक्विड्स, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स। बच्चे वैसे ही कोई भी बीमारी होती तो खाना पीना कम कर लेते हैं, दे स्टॉप ईटिंग, और पेरेंट्स बेचारे फोर्स करके उनको खिलाना चाहते हैं जो बात बनती नहीं है। बट एक जनरल इंस्ट्रक्शन ज़रूर है कि टेक लॉट्स ऑफ लिक्विड्स, या पेरेंट्स बच्चे को ऑफर करें ज़्यादा लिक्विड्स या वार्म लिक्विड्स लेने के लिए, दैट हैज़ इट्स ओन इफेक्ट। लेकिन कुछ स्पेसिफिक फूड जो आपकी इम्यूनिटी में कुछ चेंज कर देंगे, एंड दीज, ये तो कुछ भ्रांतियाँ हैं या कह लीजिए कुछ कल्चरली प्रिवेलिंग चीज़ें हैं जिस पर मैं कमेंट भी करूँ तो शायद बहुत सुविधा ना हो। हाँ, लेकिन जैसे कहा जाता है इम्यूनिटी बूस्ट करता है लेमन, विटामिन सी, श्योर इन जनरल आल्सो इम्यूनिटी बूस्ट रखनी चाहिए, अच्छी इम्यूनिटी हो, इसमें कुछ खान पान की मदद हो रही है तो श्योर करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने कुछ 2-3 सवाल पूछे उसमें सारी बातें निकल कर सामने आ गई है। अगर आप अपने बच्चे को लेकर चिंतित हैं, छोटा बच्चा आपका है और आप तमाम सारे जो नए आज सोशल मीडिया पे समाचारों में जो कोरोना को लेकर जानकारी चल रही है अगर उसको लेकर कहीं कुछ कंपेयर करने जा रहे हैं, तो डॉक्टर मुकेश बिरला जो बता रहे हैं इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिए और इस सिस्टम को फॉलो कीजिए, आपकी सब भ्रांतियाँ दूर हो जाएगी और आपके मन में शंका कुशंका के जो बादल है वो छट जाएंगे। बहरहाल डॉक्टर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।